अभी हम पहुंच गए नेशनल एक्सप्रेस हाईवे 1 पे। आप देख सकते हो रोड कितने अच्छे हैं, एकदम 100 की स्पीड के ऊपर गाड़ी आराम से चलती है। आप देख सकते हो 100 की स्पीड के ऊपर। अभी हम लोग नेशनल एक्सप्रेस हाईवे से एग्जिट कर रहे हैं और हमारे दोनों बच्चे लोग भूखे हो गए, नाश्ता भी कर रहे हैं। देखिए कितना हंस रहे हैं, इनको बड़ा मजा आ रहा है। ये नेशनल एक्सप्रेस हाईवे का और एक नाम है, पता है आपको? इसके पीछे हिस्ट्री है। क्या बोलते हैं इसको? पीपी रोड। इसको पीपी रोड भी बोलते हैं। इसके पीछे हिस्ट्री है, वो हम किसी और दिन आपको बताएंगे। लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके हुए, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। आपको मैं पेट्रोल के रेट बताता हूँ यहाँ पे कितने हुए हैं अभी। ये देखिए 89.57। आप बिलीव करोगे, मुंबई में हमने 116 रुपये में भराए थे। यहाँ पर एक जाम में अटके हुए हैं और भयंकर जाम लगा हुआ है भाई। करीब 15-20 मिनट हो गए लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज हमने सोचा कि कोई नया रास्ता ट्राई करते, लेकिन बैड लक, भयंकर भाई, भयंकर। लोग यहाँ से उल्टे जा रहे हैं लेकिन आगे कुछ तो एक चार रास्ता आता है, वहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। तो लंच के उधर रुके हुए हैं अभी हम लोग, इधर आने वाला है। एक नया रास्ता लिया तो ज़रा थोड़ा सा अनजान रास्ता है, खड्डे भी काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है, अभी खाना तो खाना है ही, देखते। हाँ भाई तरुण, कैसा लग रहा है? पक गया? पका तो नहीं। हाँ, ये होटल देखो, होटल आशीष में रुके, इडर के पहले आती है। देखते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई है, रास्ता तो अच्छा नहीं है लेकिन क्या करें, अभी आ गए तो आ गए। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के 5:30 बज जाएंगे। जैसे ही अंबाजी हमने क्रॉस किया, ये देखिए क्या रास्ते हैं, क्या नज़ारे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मज़ा आ गया। yeah.
सभ्यता का घाट है बोलते हैं इसको। अभी जैसे ही अभी क्रॉस करेंगे थोड़ी देर में राजस्थान की बॉर्डर आएगी और उसके बाद वी विल एंटर इनटू बच्चों की राजस्थान ये। और अभी घाट देखिए क्या नज़ारा है एकदम, मतलब कोई हिल स्टेशन से कम नहीं है, ये जबरदस्त हिल स्टेशन है। ये देखिए क्या रास्ते हैं, क्या रास्ते है। देखिए आबू रोड अभी यहाँ से 15 किलोमीटर है और सिरोही 97 बता रहा है, तो हमको सिरोही से भी थोड़ा आगे जाना है 30 किलोमीटर के करीब। ये शायद चेक पोस्ट है, हाँ ये शायद बनासकांठा गुजरात की चेक पोस्ट है। अभी हम लोग थोड़ा और आगे जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। घंटे से गाड़ी चला रहा था तो अभी थोड़ा स्ट्रेच ब्रेक ले लेते, थोड़ा चाय वगैरह पी लेते, फ्रेश होते। ये होटल है आबू रोड से सिरोही और सुमेरपुर की तरफ जाते हुए, तो एक चाय पियेंगे और फिर निकलते घर के लिए। फिर तो अभी हम पहुंच रहे हैं फेमस सिरोही के टनल तक। तो ये काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा, ये टनल दिखाई जाती है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रक है, ये चाचा बीच में से हट रहे, हमको शूटिंग निकालने दे भाई। ये आप देखेंगे, देखिए आगे कितना बड़ा पहाड़ी, लेकिन ये ट्रक वाला बड़ा बदमाश है, तो आगे जाने नहीं दे रहे। ये देखिए चाचा, एक टनल तो हमेशा से बंद है, शायद 3-4 साल हो गए, शायद अंधेरा है आपको कुछ ना दिखे। हेडलाइट ऑन कर देता हूँ, खड्डा था, खड्डा था या फिर हॉल था। टनल से बाहर आ गए हैं, लेफ्ट में आप देखेंगे तो सिरोही सिटी है और राइट में देखिए ऊंचा सा पहाड़ है। काम चल रहा है सालों से बट हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। एलएनटी वालों जल्दी करो इसको। सोचा थोड़ा आराम करूं तो 2 घंटे मस्त सोया और अभी उठाऊँगा, अभी खाना खाऊंगा, वापस सोऊंगा और कल वापस निकलना है जैसलमेर के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ कमेंट है कहीं पे कुछ, मुझे आपके कुछ व्यूज़ है कैसे वीडियो बनाना है तो आप बताइए मुझे ज़रा। ओके तो चलो मिलते हैं कल।